मुंबई में हुआ शो का ग्रैंड लॉन्च, जहां मौजूद रही शो की पूरी टीम। भव्य और सुंदर पालकी में बैठकर माता वैष्णो देवी आईं, जिसके बाद वैष्णवी ने दीप जलाया और स्टेज पर मौजूद सभी के हाथों पर माता के नाम की चुनरी भी बांधी। शो को प्रोड्यूस कर रही है प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा, जिनके लिए शो की अभी तक की जर्नी एक न्यू एक्सपीरियंस है। एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग रही है, मेरे लिए बहुत मैंने चीज़ें इस शो से सीखी हैं, अभी भी सीख रही हूँ। और स्टोरी टेलिंग में बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे लुक एंड फील पे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बहुत कैलेंडर इमेजेस पे जा रहे हैं, और हमारे जो सेट हैं, आप होपफुली वो मौका मिले आप लोगों को, शायद स्टार भारत आपको वो एक सेट रिवील करेगा। वो बहुत ही हमने बहुत रिसर्च के साथ, बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग के साथ बनाया है, और मुझे वो पूरा प्रोसेस मैंने बहुत इन्जॉय किया, तो वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था सेट क्रिएशन का। उसके अलावा कपड़े, कहानी और इनकी कहानी को जानना, हमारे एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्चर्स की पैनल है, तो उनके साथ बैठ के कहानी को, उन किताबों को पढ़ना, जानना, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जर्नी रही है मेरे लिए, और नई है मेरे लिए बहुत। चलिए अब एक एक करके आपको मिलवाते हैं शो की त्रिदेवियों से। माँ काली की भक्त इशिता गांगुली पर काली माँ का आशीर्वाद बरसा है, जिस देवी को इशिता बचपन से पूजती आई है। इस शो में इशिता को उन्हीं का किरदार निभाने का मौका मिला है। मैं इस शो में जग जननी माँ वैष्णो देवी, कहानी माता रानी की, यहाँ पे महाकाली की किरदार मैं निभा रही हूँ, जो कि बहुत ही भाग्य की बात है कि मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और बचपन से मैंने महाकाली की पूजा की है, उनकी आराधना की है, तो आज उन्हीं की किरदार मैं निभा रही हूँ। हाँ, महाकाली के रूप, जैसे आपको पता है कि मेरी फुल बॉडी पेंट होती है, विग माजर से लेकर पैर तक होता है, मुकुट बहुत हैवी होती है, मतलब सबसे हैवी ज्वेलरी जो है आई थिंक मुझे दिया गया है, एंड त्रिशूल पकड़ना, आपके सारे जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सब चीज़ें आपको लेके शो करना पड़ता है। बट वही मैं बोल रही हूँ कि अब जब उस अवतार में आ जाते हो, जब एक बार सोच रहे हो कि माता रानी ने आपको चुना है इस किरदार के लिए, तो उससे बड़ी बात और कुछ होती नहीं है, और सच में वो एक अंदर से फील आती है कि सच में आई एम वेरी ब्लेस्ड। लगता है मदिराक्षी पर भी देवी देवताओं का कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद बरस रहा है। देवी सीता के रोल में नजर आ चुकी मदिराक्षी इस बार बन गई है माँ लक्ष्मी। ये जो कहानी है वैष्णो देवी की, ये कहानी है हमारी माता रानी की, जो कि उनका निर्माण कैसे हुआ है, धरती पर कितने पाप थे, तो उन्होंने कैसे पापियों का नहीं, उनके अंदर छुपे पाप का नाश किया है, इसलिए उन्हें पापनाशिनी भी कहा जाता है। और उनकी पूरी कहानी, छोटी बच्ची से वो कैसे माता रानी बनी, कैसे उन्होंने जगत का निर्माण किया, कैसे उनके इतने सारे भक्त बने हैं क्योंकि वो जगत की माता हैं, तो ये पूरी कहानी उन पर आधारित है। उड़ान में अपने दुश्मनों का संहार करने वाली चकोर यानी के तोरल भी इस शो में बेहद खास किरदार में नजर आएंगी। माता वैष्णो जो सबकी माँ है, उनकी माँ के किरदार को निभाएंगी तोरल। मैं रानी समृद्धि का किरदार निभा रही हूँ, जो वैष्णवी की माँ है, तो जग जननी की माँ बनने का सौभाग्य मुझे मिला है, और इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती थी। बहुत अधीर है अपनी संतान को पाने के लिए, और कैसे उसको बड़ी मुश्किलों से संतान प्राप्ति होती है, और जब उसे ये सच पता चलेगा कि वो बच्ची अपना पाथ चूज करके वो उससे शायद दूर चली जाएगी, तो उसकी जो पजेसिवनेस है वो भी इस किरदार में है, और बहुत ही खूबसूरत बॉन्डिंग है माँ और बेटी की। तो माइथोलॉजिकल शो मैं पहली बार करने जा रही हूँ, तो हमेशा सुना था कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और ये सब तो ये लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो मैं मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। वेल, हम भी यही चाहेंगे कि माता वैष्णो देवी का साथ और आशीर्वाद हमेशा आप सभी के साथ बना रहे। माता रानी की महिमा सुनाकर आप सब उनके भक्तों की इच्छाएं पूरी करती रहें। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।